तमाम इंतहाई काबिल एहतराम हमारी क्यादत जिन्होंने हमेशा गयूर वकला की आवाज बने, और मेरे भाई और मेरी बहनें मुअज्जज मेंबराने बार जो अयूब आमरियत से लेकर आज तक उस फस्तायत के खिलाफ लड़ते रहे, उस जबर के खिलाफ लड़ते रहे, उन वर्दियों के खिलाफ लड़ते रहे जो पाकिस्तान के ऊपर गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत रही। ये जो एक आईनी पैकेज की बात हो रही है ये अलहदा बात है, ये अलहदा बात है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं कि जो ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करे या उसको तब्दील करने की बात करे। हम तो ये कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये बूटों की मदद से वजूद में आई और इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं कि ये किसी किस्म की कोई कानून साजी भी करे। जिंदा है, जिंदा है। ये बड़ा पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख का एक अजीब वाकया होने जा रहा था कि जब रातों रात हुकूमती वज़रा और इस्टेब्लिशमेंट के करिंदे एक सर्कस लगाया हुआ था, कोई भाग दौड़ कर रहे थे और उनके हाथ में किसी किस्म का कोई मुसवदा नहीं था। मैं कहती हूँ कि ज़ियाउल हक कहा करता था कि ये जो पाकिस्तान का आइन है ये 12 सफ़ों की किताब है और ये जो उसकी बाकियात हैं वो वाकई इसको 12 सफ़ों की किताब बनाने जा रहे थे। इन्होंने जुडिशरी के ऊपर शब खून मारने के लिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैजिस्ट्रियल कोर्ट बनाने के लिए ये सारी तरमीम जो थी वो करने लगे थे। लेकिन पाकिस्तान के जो गयूर वकला हैं, मुझे फ़ख्र है कि हामिद खान साहब की क्यादत में जो एक प्रोलॉन्ग स्ट्रगल है वकला की, आप लोग डट के खड़े हुए, पाकिस्तान के अवाम डट के खड़े हुए और उनका ये जो मंसूबा था वो खाक में मिल गया। और कल मैंने सुना जो लॉ मिनिस्टर है, सबसे पहले तो मैं आबिद जुबैरी साहब को सलाम पेश करती हूँ कि जिस तरह पिछले साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी क्यादत में वकला के कोर्स को आगे बढ़ाया और उनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शर्म और अफसोस से कहना पड़ता है कि एक कब्रिस्तान बन चुकी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक सरकारी बार एसोसिएशन बन चुकी है। कल आपने देखा कि एक कन्वेंशन था जिसमें इन्होंने अपने चंद लोगों को बुला के, और लॉ मिनिस्टर तकरीर क्या कर रहा है, वो बात क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम एजेंसियों से मिले, हम लोग इन कुव्वतों से मिले और उन्होंने हमें कन्फ्रंट किया। क्या मजाल है कि आपके मुलाजमीन जो कि पाकिस्तान के आइन के मातहत, जो वज़ीर आज़म और मुंतखब हुकूमतों के मातहत हैं, वो इनको कन्फ्रंट करते हैं और इन्हें कहते हैं कि आपकी अदालतें सही काम नहीं कर रही, तो वज़ीर कानून ने उनसे ये क्यों नहीं पूछा? जब उन्होंने कहा कि आपकी अदालतें दहशतगर्दों को छोड़ती हैं तो उनको सवाल करना चाहिए था कि APS के शहदा, उनके जो कातिल थे वो आपकी हिरासत से फरार हुए थे, उसका जवाब दो। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। उसामा बिन लादन पाकिस्तान की जो ये क्लेम करते हैं कि नंबर वन एजेंसी है, उसामा बिन लादन आपके अपने घर से उठाया गया, क्या कारकर्दगी थी आप लोगों की? फिर वज़ीर कानून को ये सवाल पूछना चाहिए था इनसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में बतौर इंस्टीट्यूशन पहली मर्तबा जजेस खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां और ये फौज हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर मुदाखलत करते हैं, तो कोई पूछा, हुकूमत ने कोई कानून साजी उस हवाले से की? तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस तरह ये जमहूरियत को पमाल कर रहे हैं हमारे वकला, ना इसको कबूल कभी किया है ना करेंगे। हमने मुशर्रफ आमरियत से लड़के LFO की जो अमेंडमेंट्स थी जिसमें जजेस की जो रिटायरमेंट एज को बदला गया, हमने उसके खिलाफ मुकाबला किया और हम आज भी करेंगे। आखिर में मैं
लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट साहब और नायब सदर सरदार गैलन साहब को शुक्रिया भी कहती हूँ कि उन्होंने वकला को मायूस नहीं किया और आज एक नई वकला तहरीक का आगाज किया। उनके लिए तालियां। और बस आखिर में मैं एक गुजारिश करूंगी कि आज हर सूरत हमें बाहर निकलना है। आज हम रैली की सूरत में इन ईवानों को बता देंगे कि कोई रात और रात डिक्टेटर्स वाली अमेंडमेंट को हम तस्लीम नहीं करेंगे। शुक्रिया मैडम रबिया बाजवा। जब इंकलाब की बात होगी, जमहूरियत की बात होगी, हक सच के लिए लड़ाई की बात होगी, तो आबद साकी साहब का नाम पीछे नहीं होगा। मैं आबद साकी साहब सदर लाहौर हाईकोर्ट कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।